सो मेरे भाई लोग, आपने यार प्रीव्यू तो देख लिया होगा, प्रीव्यू कैसा लगा वो तो बता ही देना। और कुछ इस टाइप के हमको रिपब्लिक डे वीडियो अगर आप भी बना के अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे डालोगे तो आपके कुछ अच्छे खासे व्यूज़ आ सकते हैं मेरे भाई। तो हमें सबसे पहले इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे एक PNG क्रिएट करना है। तो देखो PNG जो है मैं थोड़ा फास्ट फास्ट कराऊंगा, थोड़ा नहीं आज कुछ ज़्यादा ही फास्ट करा देंगे, क्योंकि बंदे जो है ना भाई स्किप कर देते हैं वहाँ से जहाँ से PNG क्रिएट होता है, वहाँ से वीडियो को स्किप कर देते हैं तो एल्गोरिदम गिर जाता है वीडियो। अब आपको करना है यहाँ से कोई इमेज, सबसे पहले आपको कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। ये वाली इमेज मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने भाई गूगल से निकाली। अगर आपको भाई निकालने में दिक्कत होती है तो ये वाली इमेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, PNG लिंक करके डाउनलोड कर लेना। अब आपको करना है थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसके शेडो को इनेबल करना है। शेडो इनेबल करने के बाद शेडो देखो यहाँ से इनेबल होगी, ये रहा ऑप्शन, शेडो को यहाँ से इनेबल करेंगे। फिर उसके बाद ब्लर रेडियस को आप चाहें तो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे ब्लर रेडियस बढ़ाने के लिए। अब आप बाद यहाँ पे ऑफसेट, ऑफसेट एक्स, ऑफसेट वाई मिलेगा, दोनों को आपको जितना आपको ऑफसेट एक्स बढ़ाना है इतना ही ऑफसेट वाई बढ़ाना है मेरे भाई। यहाँ पे जितना उसको घटाना है इतना ही उसको घटाना है। चाहे तो इनर शेडो को भी मेरे भाई यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, इनर शेडो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इनर शेडो को मैंने वाइट करके इनेबल कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ से स्ट्रोक को इनेबल कर लेते हैं, स्ट्रोक कुछ मैंने भाई 5% रख लिया है, वो भी वाइट का। स्ट्रोक मतलब होता है भाई पिक्चर की जो बाउंड्री है, पिक्चर का जो बॉर्डर है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी रिपब्लिक डे इसको लिख लेना है यहाँ पे। उसके बाद ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, आप चाहें तो इसको ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हो। पहले मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं पिक्चर को, पिक्चर को मैंने थोड़ा ऐसे एडजस्ट किया। और आपको जाना है AB करके फ्रंट में चले जाना है, ये रहा AB करके फ्रंट का ऑप्शन। माई फ्रंट में जाएंगे तो यहाँ से आपको गॉड ऑफ वार फ्रंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है मेरे भाई। ये जो है गॉड ऑफ वार, ये आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा गॉड ऑफ वार फ्रंट का। और मेरे भाई अगर आपसे पिक्सेल लैब में फ्रंट ऐड नहीं हो रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है कि पिक्सेल लैब में फ्रंट कैसे ऐड करें, आप ऐड करना सीख जाएंगे काफ़ी आसानी से मेरे भाई। तो आप उसको देख लेना कि पिक्सेल लैब में फ्रंट कैसे ऐड करें अगर आपसे नहीं हो रहा है। अब उसके बाद आपको करना है यहाँ पे तो अपने तिरंगे की तरह यहाँ पे कलर कलर मैचिंग कुछ इस टाइप से करना है। पहला तो अपना भाई है मैंने रेड कर दिया, सॉरी उसके लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ऑरेंज टाइप कलर होता है। तो आपको करना है डे को सिलेक्ट करना है भाई, कैसा ग्रीन बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक मिनट। ग्रीन कलर कुछ इस टाइप से मैंने बना लिया, हैप्पी रिपब्लिक डे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप चाहो तो इसको एक लाइन में भी कर सकते हो। तो अब आपको करना है न्यू टेक्स्ट दोबारा सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लिखना है कमिंग सून। अभी देखो भाई रिपब्लिक डे आया नहीं है अभी, उसके लिए लगभग भाई हफ्ता टाइम है, 7 डेज 8 डेज हैं, लेकिन भाई अभी हम कमिंग सून का बना रहे हैं स्टेटस और फिर बनाएंगे भाई हैप्पी रिपब्लिक डे का। तो अभी तो हम इसका बना रहे हैं और भाई बाद में बनाएंगे रिपब्लिक डे जब आ जाएगा, अभी हम कमिंग सून का बना रहे। तो मैं इसको एक लाइन में कर लेता हूँ क्योंकि तिरंगा जो है जब भी आपको अच्छा सा लगेगा थोड़ा। तो मैं इसका साइज़ वगैरह यहाँ पे कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे साइज़ मेरा भाई एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपको कमिंग सून को यहाँ पे ऐड करना है, वैसे आप चाहो तो नीचे कुछ और भी लिख सकते हो, मतलब शायरी वगैरह भी लिख सकते हो या फिर कोई अलग लाइन आप लिख सकते हो। मैं लिख रहा हूँ हैप्पी रिपब्लिक डे कमिंग सून, आप कुछ और भी यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद कमिंग सून पे भाई टैप करना है और AB करके आपको फ्रंट में चले जाना है। फ्रंट में चले जाने के बाद आपको एक फ्रंट मिलेगा यहाँ पे मैग्मा वेव कैप्स, मैग्मा वेव कैप्स का फ्रंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। और भाई डाउनलोड करने के बाद अगर पिक्सेल लैब में ऐड नहीं हो रहा, फिर कह रहा हूँ एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है वहीं पे, वे पिक्सेल लैब में फ्रंट कैसे ऐड करें। तो मेरे भाई अब इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे डेट लिख लेनी है 26 और मंथ उसके बाद 2023 यानी कि 26/1/2023 आपको लिख लेना है यहाँ पे। और लिंक से मटेरियल डाउनलोड नहीं हो रहा तो वीडियो का एक और लिंक दिया हुआ है कि लिंक से मटेरियल कैसे डाउनलोड करें, उसको देख लेना। बाकी इतना होने के बाद कलर आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर सकते हो मेरे भाई। इतना होने के बाद अब ये जो है ना भाई 26/01/2023 इसको हमको कुछ तिरंगा टाइप यहाँ पे कर लेना है मेरे भाई। तिरंगा टाइप कलर देखो कैसे होगा, पहले तो इसका यहाँ पे आपको एक फंड सर्च करना है, माई फंड में जाके कलम बोल्ड, कलम बोल्ड फंड में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो 1-2 काफ़ी अच्छे टाइप से ये लगने लगेंगे। ये वाले फंड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गॉड ऑफ वार, मैग्मा वेव कैप्स और कलम बोल्ड फंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे भाई। सबसे पहले हमको यहाँ पे ऑरेंज कलर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, फिर 01 को छोड़ देना है और 2023 को यहाँ पे ग्रीन करना है मेरे भाई। ग्रीन कलर तो वैसे हमने अभी बनाया था, चलो दोबारा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 2023 कुछ इस टाइप से तिरंगा टाइप तो हो ही गया है। और मेरे भाई आप भी कमेंट में यार लिख देना एक बार आई लव माई इंडिया, आप चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पे आप रिफ्लेक्शन को ऑन कर देना, उसके बाद 3D शैडो आप चाहे तो इनेबल कर सकते हो। इतना काम हो जाने के बाद फाइनली अपना काम यहाँ पे बनकर तैयार हो चुका है। स्ट्रोक को इनेबल कर दें यार, का कुछ खास नहीं लग रहा, स्ट्रोक से अच्छा नहीं लग रहा, तो स्ट्रोक को मैंने दोबारा यहाँ पे डिसेबल कर दिया है मेरे भाई।
अब ट्रांसपेरेंट करके कस्टम पे क्लिक करेंगे और अल्ट्रा पे करके इसको सेव कर लेंगे मेरे भाई। जिन बंदों से यार मैंने PNG जल्दी जल्दी इसलिए बनाया क्योंकि बंदे यार फिर स्किप करते हैं। अगर आपको बनाने में कोई भी दिक्कत हो रही तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हो। बाकी अब देखो यहाँ से हम आराम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप रेशियो सेलेक्ट कर लेना, अपना रिसोल्यूशन, फ्रेम रेट और कलर। कलर मेरा ऑलरेडी सब चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी सेट है, तो मैं मीडिया में जाऊँगा और वो वाला PNG यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। पहले देख लेता हूँ भाई ये अटक कैसे गया, कहाँ पहुँच गया ये। नहीं, एलाइट मोशन तो अभी नहीं खोलना था मेरे को। पिक्सेल ऐप का फोल्डर यहाँ पे खोल लेते हैं। तो पिक्सेल ऐप का फोल्डर यहाँ पे ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे PNG सिलेक्ट कर लिया है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर इधर आएंगे, इस पर करेंगे। तो इसको अगर थोड़ा सा राइट के तरफ मूव करेंगे तो इसका साइज ऐसे कुछ इस टाइप से डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। अब आप इतना देखो, 10 सेकंड का वीडियो है ये, आप चाहें तो कुछ भी लेंथ यहाँ पर रख सकते हो मेरे भाई। इसके बाद हमको इफेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इफेक्ट मिलेगा हमको XML में। XML का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डाउनलोड कर लेना। लिंक से डाउनलोड नहीं हो रहा XML, तो एक और वीडियो का लिंक दिया हुआ है कि XML डाउनलोड कैसे करें लिंक से और इम्पोर्ट कैसे करें, फुल प्रोसेस उसमें बताया हुआ है। अब एलाइट मोशन में जैसे XML इम्पोर्ट हो जाएगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पहली वाली लेयर पर आपको क्लिक, एक ही लेयर है भाई इसमें, तो आपको इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है और इधर आपको 3 डॉट देखने को मिलेंगे मेरे भाई। ये रही 3 डॉट, इन पर आपको क्लिक करना है। अब आ जाएगा आपके सामने मेरे भाई यहाँ पे कॉपी इफेक्ट, ये जो है कॉपी इफेक्ट करके पहला ऑप्शन आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है, कॉपी इफेक्ट हो जाएंगे। अब आपको करना है उसी प्रोजेक्ट में आ जाना है मेरे भाई जिसे हम बना रहे थे, वही वॉलपेपर वाले। इस पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पर जाएंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और पेस्ट इफेक्ट का ऑप्शन आ गया। इफेक्ट जो है वो पेस्ट हो चुके हैं, आप देख ही सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ओपी लग रहे हैं। देखो भाई 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 काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो यार लाइक तो कर देना यार, वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप, प्लीज़ लाइक कर दिया करो। अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इतना हो जाने के बाद आपको एक साउंड वीडियो को भाई सिलेक्ट करना है। देखो मैं लाइट मोशन में चला जाता हूँ, मैंने साउंड वीडियो कुछ इस टाइप से भाई तैयार किया। इसमें साउंड तो है लेकिन मैंने लिखा हुआ है ना रिपब्लिक डे साउंड वीडियो, तो ये 15 सेकंड की मैंने तैयार किया वीडियो। देखो इसमें साउंड है और इस साउंड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे इसमें कोई भाई मतलब वैसे नहीं है कुछ भी, लेकिन इसमें साउंड लगाया हुआ है मैंने। तो साउंड को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, इस पहली वाली लेयर पर क्लिक करेंगे, ऊपर भाई 3 डॉट्स ही दिख रही होंगी आपको सर्किल के अंदर, उस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे लास्ट सेकंड आपको मेरे भाई यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है एक्सट्रैक्ट ऑडियो। मैंने कहा था देखो भाई जो इसका वर्क है भाई PNG का वो जल्दी जल्दी करेंगे, बाकी आराम से। अब देखो यहाँ से साउंड अलग हो जाता है और वीडियो अलग, तो इसको हटा देते हैं वॉलपेपर को यहाँ से, और साउंड अपना आ चुका है देख सकते हो आप। यहाँ पे जो वाइब्रेशन आपको दिख रही है तो साउंड तो यहाँ पे आ ही चुका है मेरे भाई, वाइब्रेशन आप देख ही सकते हैं। अब इतना हो जाने के बाद आपको करना है, ये मैंने 15 सेकंड की बनाई है ना, मैं बता रहा था आपको 15 सेकंड की बनाई है ये रही, क्योंकि कुछ बंदे जो होते हैं वो 12 13 14 सेकंड तक लेंथ रखते हैं अपनी वीडियो की, इसलिए मैंने 15 सेकंड की बनाई है। इसको जितनी आपकी भाई वीडियो है ना, जितना आपका स्टेटस या जो भी बोल सकते हो ये वीडियो है प्रोजेक्ट, इतना करेंगे इस लेयर के बराबर कट कर लेंगे इस ऑप्शन पर क्लिक करके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक इफेक्ट ऐड करना है जिसका नाम है भाई HDR इफेक्ट। जो पुराने यूज़र हैं उनको पता है कितना अच्छा होता है ये वाला इफेक्ट, और जिन बंदों के पास नहीं है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में HDR इफेक्ट का, डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पे आपको 2 लेयर देखने को मिलेंगी, दोनों को यहाँ से कुछ इस टाइप से सिलेक्ट करेंगे, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कॉपी 2 लेयर करके एक ऑप्शन आ जाएगा। फिर कह रहा हूँ देखो जिन बंदों से लिंक से XML डाउनलोड नहीं हो रहे, वीडियो का लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक से मटेरियल कैसे डाउनलोड करें और फुल इम्पोर्ट प्रोसेस है उसका। अब यहाँ से कॉपी करने के बाद आपको करना है उसी प्रोजेक्ट में आ जाना है, इसमें आने के बाद आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है मेरे भाई जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, और आपके सामने यहाँ पे 4th ऑप्शन आएगा पेस्ट 2 लेयर, वहाँ से कॉपी जो की थी वो लेयर कॉपी हो जाएंगी और पेस्ट 2 लेयर यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई। अब देखो मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कितना ज़्यादा ओपी लग रहा है ये वीडियो, अभी भाई प्ले नहीं करा, अभी आपको कहना है लास्ट में आ जाना है। अब देखो ये लास्ट तक कैसे लगेंगे, आपको यहाँ क्लिक करना है, यहाँ जो कोना सा है ना भाई इन दोनों लेयर का, इस पर क्लिक करेंगे, पहले इसके कोने पर क्लिक करेंगे नीचे वाले, फिर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा 2nd नंबर वाला, इस पर कर देंगे, ये लास्ट पहुँच गया। अब फिर आपको फिर कोने में क्लिक करना है, फिर इस पर कर देंगे और ये लास्ट तक लग जाएगा मेरे भाई, साउंड भी और भाई HDR इफेक्ट भी। अब देखो मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ पहले तो, और यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं मेरे भाई। ऊपर एक बंदा पूछ रहा था कि एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, तो ऊपर देख लो भाई वहाँ पे एक एरो दिखता है एक्सपोर्ट करके, उसको वहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो मेरे भाई। यहाँ से थोड़ा टाइम ले रहा है वीडियो, तो मैंने थोड़ा वीडियो रोक दिया। अब देखो वीडियो जो है अपना बन के यहाँ पे तैयार हो चुका है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक यार जरूर से कर देना। चलो मैं दिखा देता हूँ कैसा बन के तैयार हुआ है, प्ले करके दिखा देता हूँ मेरे।